Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार आज हम लोग खेलने जा रहे हैं बिल्डर सिमुलेटर। इस गेम में हम लोगों को रियल लाइफ वाले तरीकों से अपना घर बनाना है, कुछ उसी तरीके से हमें जैसे ब्रिक्स लगाने होते हैं, उसके बाद सीमेंट लगाना होता है उन्हें जोड़ने के लिए, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्ट। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहां पे मुझे अपना घर बनाना है। और एक बारी ना भाई, आप लोग चारों तरफ ध्यान से देखो भाई साहब, इधर कितना ज्यादा बढ़िया नजारा है और काफी ज्यादा अच्छा मौसम भी हो रखा है और चारों तरफ बहुत ज्यादा बढ़िया ग्रीनरी है। और उससे भी अच्छी बात, जिस जगह पर हम लोग अपना घर बनाने वाले हैं उसके बैक साइड में काफी ज्यादा प्यारी सी रिवर है, बट इस रिवर में किसी ने कूड़ा कचरा फेंका हुआ है जो कि यार नहीं करना चाहिए, ना पार्क में, मतलब कि डस्टबिन में ही डालना चाहिए। फिलहाल हाँ छोड़ो, तो ये जो आप प्लॉट देख पा रहे हो इसी जगह पर आज हम लोग अपना घर बनाने वाले हैं। वैसे आसपास काफी सारे और भी घर बने हुए हैं, बट अपना घर बनने के बाद ना इन सभी लोगों के घर छोटे मोटे हट बनने वाले हैं, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा अच्छा घर बनाएंगे, ये मुझे अपनी खुद से पूरी उम्मीद है। फिलहाल हाँ, जो जो हमें सामान चाहिए वो सारा का सारा देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर सीमेंट है और ये प्लास्टर जो होता है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्रेवल है, यहाँ सैंड है और इसमें शायद से वाटर होना चाहिए। हाँ, तो इसमें वाटर रखा हुआ है। और यहाँ पर जो आयरन रोड है वो भी है, सब कुछ है, ए टू जेड चीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर से हमें अपना काम स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें करना है, द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट अप फॉर्म वर्क। ओके, फॉलो द एरो एंड पिक अप द फॉर्म वर्क फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ से उठाना है एंड हम लोग यू कैन होल्ड 20 एट अ टाइम। तो वन मैंने उठा लिया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, सारे उठा लेता हूँ भाई। 20 हम लोग एक बार में कैरी कर सकते हैं। और अभी मुझे ये जो मैंने लकड़ी के बोर्ड उठाया ना, तो देखो गाइस सबसे पहले ना घर का बेस बनता है, क्योंकि घर को मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डायरेक्ट घर बन जाएगा, कल को बारिश वारिश आएगी गिर ना जाए, इसलिए उसका जो बेस है ना उसे हमें बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो बेसमेंट में ना हमें थोड़ा सा ना सीमेंट से, कॉन्क्रीट से पूरा मजबूत करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर ना वुड लगाएंगे। ठीक है, आपको भी समझ आता जाएगा कि एक घर कैसे बनता है। वैसे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब ये सब मैंने पढ़ा हुआ है और मैंने देखा भी हुआ है खुद से, तो मुझे पता है ये क्या क्या होता है। पर हाँ, अभी मैं खुद से करने वाला हूँ एक गेम में, पर हाँ फिर भी मैं खुद से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसे लगाते हैं चारों तरफ, ये लकड़ी के कुछ इस टाइप के फट्टा या फिर इसे बोर्ड कह सकते हैं। वैसे बोर्ड कहेंगे इंग्लिश में, फट्टा कह दो भाई, फट्टा ज़्यादा सूट कर रहा है। तो फट्टा हम लोग यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और अभी इसमें ना आयरन रोड डलेगी, देन उसके ऊपर सीमेंट डलेगा, ऐसा ही कुछ जहाँ तक मुझे लग रहा है होता है। तो अभी बेस अपना होने वाला है, पर मुझे यहाँ पर अभी देखो पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है ना, यहाँ रह रहा है पूरे में। ठीक है, सीमेंट को इस डर्ट से अटैच कर देंगे तो डर्ट तो काफ़ी ज़्यादा ढीली सी होती है, तो वो इधर उधर मूव करेगी तो परफेक्ट शेप नहीं आएगी ना, इसीलिए परफेक्ट शेप देने के लिए हम लोग चारों तरफ ना डर्ट के साइड साइड में वुड लगाएंगे, ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है, शेप भी अच्छी आएगी, चीज़ भी मजबूत बनेगी। तो पहले अपना काम मेरे को जल्दी जल्दी से करना है, वन स्पीड रन करेंगे भाई फटाफट से। ये देखो भाई, काफ़ी जल्दी जल्दी काम निपटाएंगे। ओके गाइस, तो अभी ना मैंने पीछे से 5 पीस और ले लिए हैं, क्योंकि अपना जो काम है ना वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बस लास्ट 5 पीस है जो कि मुझे लगाने थे। लेट्स गो, फाइनली अपना ये जो बेस था ना वो वुड से हमने अभी सेट कर दिया, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इस बेस में पूरे में आयरन रोड डलने वाली है, देन उस आयरन रोड से थोड़ी मजबूती आएगी, पर आयरन रोड को परमानेंटली वहीं पर रोके रखने के लिए हमें वहां पर ढेर सारा सीमेंट भरना पड़ेगा, मींस पूरा मिक्सचर भरना पड़ेगा कॉन्क्रीट के साथ, जो जो मिल के बनता है वो सब कुछ लगाएंगे तो अपना काम होगा। तो ये अपनी आयरन रोड है, इसे ये देखो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया ना, अभी काफ़ी सही शेप भी आने वाली है और मजबूती भी आने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग आयरन रोड पूरे में हमें लगाते जाने हैं, 20 पीस मैंने एक बार में उठा लिए हैं, तो फटाफट से लगाते चलते हैं, लेट्स गो। तो ओके गाइस, लेट्स गो। अभी ना फिलहाल मैंने एक एक करके इस पूरे के पूरे बेस में चारों तरफ आयरन रोड लगा दिया है, ये एक दो जगह और रह गई है, यहाँ पर भी मुझे आयरन रोड लगानी है। और फाइनली अपना जो बेस है वो 50% कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बाकी काम क्या करना है इन सभी के बीच में, ये देखो सबसे पहले तो हमने ना दोनों साइड में वुड लगाई है, उसके बीच में रख दिया आयरन रोड। अब हमें इन सभी के बीच में डालना होगा कॉन्क्रीट मटेरियल, ताकि ये पूरा मजबूत हो जाए। इन फ्यूचर अगर आंधी तूफान बारिश आए या फिर अर्थक्वेक आए तो अपने घर को कोई भी फर्क ना पड़े, इसलिए बेस को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कॉन्क्रीट मटेरियल हमें बनाना है, और उसे बनाने के लिए यू मस्ट फर्स्ट टर्न ऑन द कॉन्क्रीट मिक्सर। ओके, तो ये कॉन्क्रीट मिक्सर है, हमें यहाँ पर ये बटन दबा के इसे सबसे पहले ऑन करना है। ठीक है, तो अभी ये ऑन हो चुका है। हमें यहाँ पर गाइस देखो कॉन्क्रीट की रेसिपी, सारी रेसिपी यहाँ पर लिखी हुई है। मोर्टार मटेरियल बनाना है तो ये, स्पाउट बनाना है तो ये, कॉन्क्रीट बनाने के लिए हमें 15% सीमेंट चाहिए,
25% सैंड चाहिए एंड 45% ग्रेवल चाहिए एंड 15% हमें चाहिए होगा वाटर। हमारे पास जहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ है, तो वाटर यहीं पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग वाटर डालते हैं और इस मटेरियल को बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये वाटर की पाइप मैंने यहाँ से उठाई, 15% हमें इसके अंदर डालना है और ये मैंने यहाँ पर पानी डालना स्टार्ट कर दिया है। ये 12 के बाद सीधा 19% हो गया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वाटर डल गया, अब बारी है सेकंड चीज़ है अपनी, मैं नीचे से करता हुआ आ रहा हूँ। 45% ग्रेवल, तो ये पड़ी ग्रेवल एंड ग्रेवल को पिक करने के लिए मुझे अपनी शवल बाहर निकालनी है और ये मैंने यहाँ से करी कैरी और ये करी मैंने इसके अंदर ड्रॉप। तो फटाफट से 45% ग्रेवल लेकर चलते हैं। अभी ये जो रेड वाला आप देख पा रहे हो ना, ये ग्रेवल का परसेंटेज है। 12% हमने ग्रेवल इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा बहुत टाइम लगता है इस मटेरियल को बनने में, जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और थोड़ा बहुत ना गाइस मेरा इधर उधर घूमने का मन है इस टाउन में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया लग रहा है। 25% हो गया। अभी मेरे को ना 2-3 शवल और डालने हैं। 31, 2 शवल और डलेगी, इसके बाद शायद से 39 हो जाएगा। ये डाला, 38 हो गया, 45 डालना है, तो एक शवल और, ये लास्ट शवल है। इसके बाद ये हो गया अपना 44%, शायद 44% ठीक रहेगा, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलेगा यार। ओके, तो बारी है सैंड डालने की, तो सैंड हमें 25% डालना है। तो यहाँ से मैंने ये करा कैरी, इसके अंदर फेंक दिया, दोबारा से लेकर आते हैं। अभी 6% हो गया, इसके बाद ये हो गया 12%, दोबारा से लेकर आते हैं और अभी हो जाएगा 19%, जो कि एकदम परफेक्ट है। अब ये करने के बाद हमें यहाँ पर डालना है सीमेंट। तो ये जो आप देख पा रहे हो ब्लू वाले जो पैकेट्स हैं, ये प्लास्टिसाइजर के हैं। जब घर बन जाएगा ना, तो उसकी वॉल को एकदम सीधा करने के लिए काम आएंगे, उसकी वॉल पे POP जिसे हम कहते हैं ना, तो उसके काम ही आने वाला है। तो मुझे ये नहीं उठाना है, इसको साइड रखते हैं, हमें उठाना है ये सीमेंट वाला बैग। तो फटाफट से मैं सबसे आगे वाले बैग को कैरी कर लेता हूँ, ये मैंने उठाया। अब फटाफट से हम लोग इस बैग को लेकर चलते हैं और इसके अंदर डालते हैं। एक बार ही डाला, 6%, 12%, दोबारा से डाला, हाँ 12%, एक और बार डाला 19%, जबकि हमें 25% डालना है ना, नहीं सॉरी 15% ही डालना है और 25% हमें सैंड डालनी थी, यानी सैंड थोड़ी सी कम हो गई है। मैं सैंड यहाँ से ना और ले लेता हूँ, एक बारी और डाल देते हैं सैंड। 19 है ना, क्योंकि अभी ये मैंने डाली, हाँ अभी एकदम सब कुछ परफेक्ट है। अब यार चलते हैं, थोड़ा बहुत ना इधर उधर घूम के आते हैं, क्योंकि अभी ये ना मटेरियल बन रहा है, शायद इसको बनने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बाकी यार एक बार ही इधर आप लोग देखो, नज़ारा कितना ज़्यादा बढ़िया है ना भाई, चारों तरफ का, मतलब यार बैक साइड में भी यहाँ पर काफ़ी सही घर बना रखा है भाई बंदों ने, पर ये एक घर कम गार्डन ज़्यादा लग रहा है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स भी उगा रखी है, और मतलब यहाँ पर सारे बंदों की एकदम अच्छे अच्छे पुरानी थीम वाले घर है। और इसको देखो भाई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा गार्डन है, इधर कुआं बना हुआ है। चलो 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 एक बार इसके घर में भी चल के देखते हैं। यहाँ पर यार किसी का घर नहीं है, यहाँ पर ना सबकी एकदम मस्त गार्डन बने हुए हैं, और उसकी तो मस्त कार भी यहाँ पे खड़ी हुई है। शायद से अपना मटेरियल जो है ना, वो देखो भाई वो बन के कंप्लीट हो चुका है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जल्दी से हम लोग वहाँ पे चलते हैं। अभी ना गाइस, उससे पहले ना मेरे को सबसे पहले हमें मशीन को बंद कर देना चाहिए। जब अपना कॉन्क्रीट बन चुका है तो उसे बंद कर दो, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। अब फटाफट से हम लोग इस ट्रॉली को उठाते हैं और इसको हमने करा रोटेट, इसके सामने ले जाकर हमें इसे खड़ा करना है, ताकि जब हम लोग इसे रोटेट करके मीन्स टिल्ट करके ऐसे घुमाएंगे ना, तो सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर आके गिर जाए। तो मैं फटाफट से इस वेल को पकड़ता हूँ। ओके, तो ये मैंने इस वेल को पकड़ लिया है, अभी मुझे इसे राइट में घुमाना है। और वो देखो भाई, सारा का सारा कॉन्क्रीट जो है थोड़ा बहुत नीचे गिरा है, पर हाँ क्योंकि ये फुल हो चुका है, तो जो एक्स्ट्रा था वो शायद नीचे गिर गया और बाकी मटेरियल इसके अंदर आके गिर चुका है। अभी फटाफट से हम लोग इस ट्रॉली को बाहर निकालते हैं और ले जाकर इस जगह पर डालना शुरू कर देते हैं। इसे ही को इसको शायद से ना गाइस फाउंडेशंस कहते हैं, तो हमें फाउंडेशंस को अब कॉन्क्रीट से फिल करना है। तो मुझे कुछ इस तरीके से इसे टिल्ट करना है, और ये देखो ये पूरा यहाँ पे भर चुका है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ भरने के बाद ये कैसा दिख रहा है। ये देखो पहले कैसा नॉर्मल सा है, अभी इसके अंदर सीमेंट आ गया, मीन्स कॉन्क्रीट आ गया, तो एक ऐसा मजबूत सा हो चुका है ना। फटाफट से अभी हम लोग इसे दोबारा पकड़ते हैं, थोड़ा सा और मुझे इसे आगे ले जाके कुछ इस तरीके से रोटेट करना है, उसके बाद यहाँ पर मुझे इसे आगे ले जाना है, थोड़ा सा पीछे लाना है, और अभी मुझे इसे टिल्ट कर देना है। ये भी यहाँ पर भरना स्टार्ट, और शायद से अपना जो मटेरियल है वो ख़त्म हो जाएगा, मैंने बोला ही था, क्योंकि भाई इतने से में पूरा घर कभी नहीं बन सकता, मतलब पूरा घर का जो फाउंडेशन है वो कभी नहीं बन सकती। अभी थोड़ी सी कंप्लीट हुई है, और मेरे को लग रहा है मुझे पूरा कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4-5 बारी इस मटेरियल को बनाना होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत गंद गिरा है, शायद मैं इसको इससे क्लीन कर सकता हूँ, क्योंकि सीमेंट जो है सूख जाता है, तो उसे ऐसे हटाया जाएगा। अभी हम लोग पहले तो अपनी मशीन को वापस ऊपर करते हैं, इसको छोड़ते हैं,
यहाँ पर इसे मुझे दोबारा से ऑन करना है और सेम टू सेम वही प्रोसेस मुझे करना है। पर हाँ, इस बार ही मैं ध्यान रखूंगा जब मैं अपनी ट्रॉली लेने के लिए आगे जाऊंगा ना, मतलब कि उसे फिल करने के लिए फाउंडेशंस को, तो मैं यहाँ पर एक और मटेरियल बनाने के लिए रख दूंगा। फिलहाल इस पाइप को हमें उठाना है और इसके अंदर मुझे दोबारा से 15% वाटर कितना डालना था, सॉरी 19 हो गया, बस 15% मुझे यहाँ पर डालना है सीमेंट, ये मैंने डाल दिया 19, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको पता ये चलेगा। 45% डालनी है ग्रेवल, तो यहाँ से उठाया, यहाँ पर डाल दिया और 19% मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और यहाँ पर मुझे एक बारी और डालना है 25, और अब हमें 25% डालनी है सैंड, तो ये यहाँ से उठाई और ये डाल दी। ओके गाइस, तो सारा का सारा सामान मैंने एकदम बराबर यहाँ पे लाके डाल दिया है और अपना जो मटेरियल है वो बनना स्टार्ट हो गया है। जब तक मैं काम करता हूँ, स्ट्रॉली को पकड़ के ले जाता हूँ और वहाँ पर एकदम सही तरीके से खड़ा कर देता हूँ। ओके, तो कॉन्क्रीट भी अपना यहाँ पर बन चुका है, इस ट्रॉली को हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं। जो मटेरियल बना है उसको पहले मैं बाहर निकाल देता हूँ, मशीन बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अब इसको छोड़ते हैं, इस ट्रॉली को ना पहले मैं साइड में लगा देता हूँ 2 सेकंड के लिए, क्योंकि अभी हमें ना सारा का सारा काम जल्दी जल्दी करना है। तो ट्रॉली को मैं साइड में ला के छोड़ देता हूँ, इन फाउंडेशंस को मैं थोड़ा रुक के फिल करूँगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस गंद को हटाते हैं, इसके बाद मुझे डालना है इसके अंदर पानी, और पानी की पाइप ये पड़ी, मतलब यार हम लोगों ना दोबारा से कॉन्क्रीट बनने के लिए यहाँ पर रख देते हैं। ओके गाइस, तो मैंने सारा का सारा मटेरियल एकदम बराबर बराबर यहाँ पे लाकर डाल दिया है। अब जब तक ये वाला कॉन्क्रीट रेडी हो रहा है, तब तक हम लोग एक काम करते हैं, इस कॉन्क्रीट को ले जाकर इस फाउंडेशन में भरना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इसे करा ट्रॉली को टिल्ट, ये वाला एरिया भर गया, कुछ भी एरिया हम लोग मिस नहीं करेंगे, सारा एकदम तमीज से धीरे धीरे भरते हुए चलेंगे, क्योंकि भाई ये घर का बेस है। इसको जल्दबाजी में करने का मतलब है घर को बेकार बनाना इसको, क्योंकि ये घर कच्चा है ना, तो तुम्हारा घर कभी पूरा मजबूत नहीं हो सकता। और ये देखो, एक और ट्रॉली खाली होगी और आधा घर जो है, आधा नहीं, हाँ 45% कंप्लीट हो चुका, बस पीछे वाली साइड और रह गई है और एक और मटेरियल बन के रेडी, तो ये फायदा हुआ पहले काम करने का। ओके गाइस, लेट्स गो। तो फाइनली मैंने अपने घर का जो बेस है उसमें कॉन्क्रीट भर के उसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, बस थोड़ा बहुत एरिया और रह गया है और मटेरियल बन के रेडी हो गया है, तो शायद इतने में अपना काम हो जाएगा। फटाफट हम लोग सबसे पहले इस मशीन को बंद करते हैं एंड इस ट्रॉली को, वेट, इस ट्रॉली को यहीं पे खड़े रहने देते हैं, पहले हमें मटेरियल बाहर भी तो निकालना है। तो इसको ये मैंने करा स्क्रोल, सारा का सारा इसके अंदर आकर गिर चुका है, इसको मैंने कर दिया पीछे वापस, इसे छोड़ते हैं। ट्रॉली को यहाँ पर हम लोग आराम से ग्रैब करते हैं और उसे भी रोटेट करके हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ पे भरने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोगों ने अपने घर का बेस एकदम मजबूती से पूरा का पूरा बना डाला है। ये मैंने करा टिल्ट, एक कॉर्नर रह रहा था, ये भी भर दिया और आगे का बिल्कुल जरा सा रह गया है, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस, अपना घर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, शायद से कहीं पर थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो फटाफट से हम लोग अपनी ट्रॉली लेकर चलते हैं, यहाँ पर तो पूरा हो गया, कोई एक जगह शायद हो सकती है जहाँ पर थोड़ा